खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां उन्नाव की तीसरी बेटी के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्नाव की तीसरी बेटी को एयरलिफ्ट करवाकर दिल्ली भेजने की मांग की है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उन्नाव दो बेटियों के शव उनकी चुनरी से बंधे मिले और तीसरी बेटी की हालत गंभीर है। ये घटना बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए कहा कि सरकार तीसरी बेटी को तत्काल एयरलिफ्ट के जरिए दिल्ली भेजे ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। कहा कि दिल्ली सरकार बेटी के उपचार का पूरा खर्च उठाएगी। ये जो उन्नाव के अंदर घटना घटी है, जिसमें तीन बहुजन समाज की बेटियां उनकी चिन्नियों से बंधी हुई पाई गई जंगल के अंदर, और दो बेटियों की डेथ हो गई, एक गंभीर हालत में है, ये बेहद दुख की बात है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस तीसरी बेटी को जल्दी से जल्दी एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजें। दिल्ली की सरकार उस बेटी को बचाने के लिए हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार है, उसके पूरे इलाज का खर्चा उठाने के लिए तैयार है। कृपया आप उसे एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसकी कम से कम जान को बचाया जा सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तीन बेटियां पशुओं के लिए चारा लेने खेत पर गई थी, जिनमें से दो की लाश उनकी चुन्नी में बंधी मिली और एक की हालत गंभीर है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने ट्वीट कर बेटी को दिल्ली भेजने की मांग की है।